गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा पंचम विषय गणित प्रश्नमाला है 1.7 इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये जो एक्सरसाइज है वैदिक विधि से करनी है आपको, वैदिक गणित के द्वारा आपको इसको करना है। इसमें सूत्र है उधर्व त्रिज्य व्यम के प्रयोग से हल कीजिए। हमें जो है 2121 की गुणा 2221 से करनी है। वैसे हम कैसे करते हैं इसको, ये चोरी गुणा है, चार बार गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन वैदिक विधि से हम इसको एक लाइन में इसका आंसर आ सकता है। तो हम एक लाइन में इसका आंसर कैसे करेंगे, ये जो है आपको इसको देखना है। पहला हमारा इकाई का अंक क्या है, एक, तो हमें एक की एक से गुणा करनी है। जैसा हमारा एक है, एक की गुणा हमें एक से करनी है, तो एक ही कणा कितने होंगे, एक। तो यहाँ आ गया हमारा एक। अब फिर हमने कितने अंक लिए, दो अंक लिए, इकाई और धाई का। यहाँ भी हमने इकाई धाई का अंक लिया, नीचे भी हमने दो अंक लिए, तो दो अंक ले लिए हमने। ये हमारा 21 है और नीचे भी कितना, 21। तो दो की गुणा एक से करनी है और इस दो की गुणा इस एक से करनी है, मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो एक की गुणा दो से करी कितना हो गया, एक दुनी दो प्लस दो ही कना दो, दोनों गुणा करके हमने इनको जोड़ लिया, तो दो और दो कितने हो गए, चार। तो चार हमें कहाँ लिखना है इसका, यहाँ पर आ गया चार। अब हमने कितने अंक लिए, तीन अंक ले लिए, इकाई धाई सैकड़ा, तीन अंक लिए, ऐसी नीचे भी हमने तीन अंक ले लिए। तो हमने लिख लिया 121 है ये हमारा, ये 221। अब ये दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और इसकी गुणा दो की दो से करनी है, तो हमने दो की गुणा एक से करेंगे, दो ही गुणा दो प्लस इस एक की गुणा एक से करो, एक ही गुणा एक प्लस दो की गुणा दो से करेंगे, दो दुनी चार, सबको जोड़ लिया, चार और एक पाँच, पाँच और दो सात, तो यहाँ कितना आया हमारा, सात आ गया। अब हम कितने अंक लेंगे, चारों ले लेंगे हम, 2121 ये लिख लिया हमने, 2121 नीचे कितना है, 2221, तो हमने लिख लिया 2221। अब इसकी जो है हम एक की गुणा इस दो से करेंगे, इस दो की गुणा इस एक से, इस वाले दो की गुणा इस दो से करनी है और इस दो की गुणा एक से करनी है। तो पहले हम दो की गुणा एक से करेंगे, दो ही गुणा दो, सबको जोड़ते चले जाएंगे। फिर हमने इस एक की गुणा इस दो से करेंगे, एक दुनी दो प्लस फिर दो की गुणा करेंगे दो से, दो दुनी चार प्लस दो ही गुणा दो, सबको जोड़ लो, कितने हो गए, दो और चार छः, छः दो आठ, आठ और दो दस, तो दस आ गया हमारा। अब हमें यहाँ पर कितना लिखना है, हम जीरो लिखेंगे, एक हमारा क्या है, ये हासिल है, ये हम अगली संख्या में जोड़ेंगे इसको। फिर आप क्या करेंगे इसमें, पहले हमने क्या कैसे लिखा था, मतलब आरोही क्रम में लिख रहे थे, पहले सब एक अंक लिया, फिर दो लिए, फिर तीन लिए, फिर चारों लिए, अब इसे लिखना हमें अवरोही में। अब हम कितने लेंगे इसके, तीन अंक लेंगे हम, ये लेंगे 212, तो हमने ले लिया 212, नीचे कितना है 222, तो यहाँ 222 लिख लिया। अब इस दो की गुणा इस दो से करनी है, इस वाले दो की गुणा इस दो से और दो की गुणा एक से, तो दो की गुणा दो से करो, दो दुनी चार, फिर दो की गुणा दो से करनी है, दो दुनी चार, दो की गुणा एक से करो, दो ही गुणा दो, सबको जोड़ दो, चार और चार आठ और दो दस, दस और एक हासिल है हमारा, तो कितने हो गए यहाँ, ग्यारह। तो ग्यारह का हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, एक, एक हमारा ये हासिल बचा। फिर आप कितने अंक लेने हैं हमें, दो अंक लेंगे, 21 ले लिया हमने यहाँ पर और यहाँ ले लिया 22, इस दो की गुणा दो से करनी है और इस दो की गुणा इस एक से करनी है, तो दो दुनी चार, फिर दो की एक में करेंगे, दो ही गुणा दो, सबको जोड़ दिया हमने, चार और दो कितने हुए, छः, तो छः ये आ गए और एक हासिल है हमारा, तो कितने हुए, सात हो गए। तो हमने यहाँ लिख दिया सात का सात। अब हमारा कितना अंक बचा, एक अंक बचा, तो ये लिख लिया हमने, दो यहाँ लिख लिया और नीचे भी दिया तो दो नीचे लिख लिया, तो दो दुनी कितने हुए, चार, ये हमारा जो है इसकी गुणा आ गई।
कितना आया? इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस्यार लाख दस लाख 47,10,741। इस तरह हम जो है वैदिक विधि से जो है गुणा कर सकते हैं, जो एक लाइन में आ गया। अब तो मैंने आपको जो है ये करके दिखाया कि इस तरह करना है, फिर आप जब इसका रिवीजन करोगे तो आप लगातार इसको कर सकते हैं। जैसे ये सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो की गुणा दो से कर दिया हमने तो दो दुनी चार आ गया यहाँ, फिर इसकी गुणा दो से करनी है, इसकी एक से, तो दो दुनी चार और एक दुनी दो, जो चार और दो कितने हुए छः। अब तीन अंक ले लिए हमने, दो गुना दो, एक दुनी दो और एक दुनी दो कितने हो गए, छः हो गए, तो हम लिख देंगे यहाँ छः। अब चार अंक ले लेंगे, इसे दो की गुणा दो से कर दी, दो दुनी चार प्लस एक दुनी दो प्लस एक दुनी दो और एक ही गुना एक, टोटल कितना हो गया, चार दो छः दो आठ और एक नौ, तो यहाँ आ गया हमारा नौ। अब हमारे चार अंक हो गए, फिर हमें लिखना है इसको उतरते क्रम में, 212 की 111 से गुणा करनी है, तो एक की गुणा दो से करो, दो ही गुना दो, एक की दो से करो, एक दुनी दो और एक ही गुना एक, कितने हुए चार और एक पाँच, तो यहाँ लिख दिया हमने पाँच। अब कितने अंक लेने हैं हमें, दो अंक, एक की गुणा दो से करनी, एक दुनी दो प्लस एक ही गुना एक, तो कितना आ गया तीन, यहाँ आ गया हमारा तीन, और एक की गुणा दो से कर दो, एक दुनी दो, तो हमारी कितनी संख्या आई, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस्यार लाख दस लाख 23,59,664। इस तरह जो है हम ये वैदिक विधि से इसको करते हैं। अब ये जो अब जब आपका रिवीजन हो जाएगा तो आप इसको बहुत जल्दी करेंगे, ये मैंने आपको विधि बताई, इस विधि से करना है और इस तरह ये सवाल आपको करने हैं।